और चुनावी वर्ष होने के नाते महासमुंद जिले में स्वास्थ्य के कर्मचारियों के संगठन अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्व पटवारी संघ अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। महासमुंद शहर के पटवारी कार्यालय के सामने जिले के लगभग 216 पटवारी आज से काम बंद हड़ताल पर बैठ गए हैं। राजस्व पटवारी संघ की प्रमुख मांग है कि वेतन विसंगति को दूर किया जाए और वेतन में बढ़ोतरी की जाए, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जाए, संसाधन और भत्ता आदि की मांग भी उन्होंने की है। राजस्व पटवारी संघ के संभागीय अध्यक्ष का कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तभी तक ये हड़ताल जारी रहेगी। हमारी मांगे ये विगत हम लोग लगातार तीन चार साल से हम लोग करते आ रहे हैं। प्रमुख मांग है कि हम लोगों का नेट वाला जो काम है, कंप्यूटर दिया नहीं गया है, जैसे अन्य प्रदेशों में MP में ले लें, राजस्थान में ले लें, उत्तर प्रदेश में ले, सभी जगह कंप्यूटराइज है और सबको लैपटॉप की सुविधा दी गई है, हर संसाधन दिया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ हमारे पूर्ण रूप से समर्थ होते हुए भी इस मांग को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास में रूबरू हुए थे, मिले थे, लेकिन उन्होंने बोला कि आप लोग तो काम के लिए मैं कलम नहीं दूंगा तो आप लोग कैसे काम करोगे।